पानीपत नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह झटीपुर के पास धुंध का कहर देखने को मिला। एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक बस भी पलट गई। पहले एसेंट कार टकराई, उसके बाद एक बस ने कार को टक्कर दे मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। तीन और के बजे के करीब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई और सामने से एकदम जो है एक गाड़ी एक्सीडेंट जो है उसका एक्सीडेंट हुआ। तो हम जैसे बाहर जाके देखने लगे तो वो उनको गाड़ी जो है वहीं पे पार्क हुई। उनको ट्राई करा कि भाई कोशिश करी कि साइड से हट जाए, बट वो नहीं हट पाई। इतनी देर में हम उनको जो अंदर के जो पेशेंट वगैरह तो नहीं थे, बट उनके बच गए वो भगवान की दया से, उनको हम अंदर ले आए। अभी इतनी देर में अंदर ही लेके आए थे कि इतनी देर में एक और एक्सीडेंट की एकदम आवाज़ आई, जिससे कि लाइट चली गई हॉस्पिटल की एकदम। तो हमने जाके बाहर देखा तो जो बस थी वो बस ने कार में एक्सीडेंट करके सारे के सारे पलट गई। तो उसमें जितनी भी कैजुअल्टी थी सारे की सारी वो हमने निकाल ली हैं और जो है अभी उनका उपचार करने लग रहे हैं। और ये कोई पहली बार हादसा नहीं हुआ, ये हर हफ्ते जो है एक दो हादसे होते रहते हैं। इससे पहले भी पुलिस को भी इन्फॉर्म करा जा चुका है और अब जो है उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। दो थोड़े से सीरियस हैं, बाकी जो 6-7 हैं वो तमिलनाडु से आने लग रहे हैं, तो वो ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।